हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली न्यूज लैंग्वेज ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी जितनी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिये, हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा था लाइक टू का यूज हम कैसे करते हैं और लाइक टू से क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, और अगर क्वेश्चन कर लिया तो हम उसको आंसर किस टाइप से देते हैं। तो ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था। और जो हमारी आज की वीडियो है उस वीडियो में हम सीखेंगे वांट टू का यूज हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, हिंदी में क्या मीनिंग होता है, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, वांट टू मीन्स होता है चाहना। चाहना मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ, या फिर मैं अखबार पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, ये चाहती हूँ या चाहता हूँ या चाहते हैं, इसकी टाइप के जो हमारे हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम इंग्लिश में बनाते हुए वांट टू का यूज करना है। हमें वांट टू का यूज करना है, जैसे हमने लाइक टू का यूज किया था लास्ट वीडियो, वैसे हमें आज की वीडियो में वांट टू का यूज करना है। वांट टू, ठीक है, वांट टू का यूज देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, डू यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ओके, डू यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्वेश्चन हमें डू से करना है। डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्या तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो चाहने के लिए हमने यहाँ वॉन्ट टू का यूज कर दिया है, चाहने के लिए हमने यहाँ पर वॉन्ट टू का यूज करा है, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे डू यू से क्वेश्चन क्यों करा हमने, क्योंकि हमारा लाइफ टाइम का जो सेंटेंस होते हैं उसी के बेस पर है ये, इसलिए हमने यहाँ पर डू से क्वेश्चन करा है। डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या तुम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन डू यू से ही करेंगे, डू यू वॉन्ट टू तो हमारा कॉमन आएगा, इसके बाद जो हमारे एक्शन है वो हम एक्शन यहाँ पर एड कर देंगे। डू यू वॉन्ट टू, हमारे एक्शन है स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक। आंसर देखिए, अब नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सपोज इट आपने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करा, डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या तुम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब सेकंड पर्सन हमें नेगेटिव आंसर दे रहा है, नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। नो डू से क्वेश्चन करा है, नेगेटिव आंसर देना है, डोंट का यूज करेंगे हम। नो आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नहीं मैं एक नया बिजनेस शुरू करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर हमने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करा, नेगेटिव आंसर आया है, लेकिन हमें लाना है पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर आने के लिए अब हमें किसी थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है। थर्ड पर्सन हमने मान लिया है, डज योर ब्रदर, कोई ब्रदर है उसका, उसको हमने थर्ड पर्सन मान लिया है। डज योर ब्रदर वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या तुम्हारा भाई एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो नया बिजनेस शुरू करने से भाई सिंगुलर है ना, ठीक है, तो हम डज का यूज क्वेश्चन करेंगे, डज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डज योर ब्रदर वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आप ध्यान रखेंगे हमें थर्ड पर्सन देंगे, डज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, डू से नहीं करना है, क्योंकि ब्रदर जो है वो एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन हम डज से ही करते हैं, ठीक। डज योर ब्रदर वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आप देखिए यहाँ पर उसने नेगेटिव आंसर दिया, अब वो थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यस, ठीक है। तो यस माई ब्रदर वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यस माई ब्रदर, यहाँ पर हम बोलेंगे वॉन्ट्स, यहाँ फर्स्ट पर्सन है इसलिए वॉन्ट बोला, अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अगर पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो हम वॉन्ट्स बोलेंगे, यस माय ब्रदर वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यही हमारा नोटिस पॉइंट है कि यहाँ पर हम वॉन्ट्स बोलेंगे। वॉन्ट्स हमें पॉजिटिव आंसर नहीं बोलना है, और वॉन्ट्स तभी तब बोलेंगे जैसे हमारे पास पॉजिटिव आंसर है, आंसर पॉजिटिव है और थर्ड पर्सन है, तब हम एस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन है, पॉजिटिव आंसर है, तभी हम एस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखिए यहाँ तो पॉजिटिव आंसर था इसलिए हमने वॉन्ट्स बोल दिया, अब हमें नेगेटिव देना है। सपोज ये कि थर्ड पर्सन से हमने क्वेश्चन करा, वो भी नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो किस तरह से देगा। नो माय ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जैसे हमने यहाँ पर डू नॉट का यूज करा नेगेटिव में, वैसे ही हमें डज से क्वेश्चन करा तो हम यहाँ डज नॉट का यूज करेंगे। नो माय ब्रदर डज नॉट, ओके, डज नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नहीं मेरा भाई नया बिजनेस शुरू करना नहीं चाहता, ठीक है, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर देना है। आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं, आप नेगेटिव दे दीजिए, इसलिए हम, आप नेगेटिव दे दीजिए तो हम थर्ड
जल्दी फिर क्वेश्चन करेंगे. डज योर फादर वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस? यस माई फादर वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. इस तरह से हम उसको पॉजिटिव आंसर दे देंगे. अब देखिए सीधे तो हम थोड़े से एक्शन देखते हैं. एक्शन हमारे फर्स्ट, मेक अ ब्राइट फ्यूचर. मेक अ ब्राइट फ्यूचर मतलब कि अपना भविष्य चमकीला बनाना. मेक अ ब्राइट फ्यूचर भविष्य चमकीला बनाना. प्रिपेयर फॉर एमबीए, एमबीए की तैयारी करना. मेक अ मनी धन कमाना. यहाँ जरूरी है अगर ही लगाए हम, बनाना या कमाना सेम बात होती है. मेक अ मनी. बाय अ कार, कार खरीदना. लर्न सिंगिंग गाना सीखना. चेंज मोबाइल, मोबाइल चेंज करना. मीट सलमान खान, सलमान खान से मिलना. स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना. ज्वाइन जिम, जिम ज्वाइन करना. गो अब्रॉड, विदेश जाना. स्पीक समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल बोलना. अब हम इन्हीं एक्शन को अपने इस एग्जांपल के थ्रू देखिए यूज करेंगे. डू यू वॉन्ट टू, ये तो हमारा कॉमन है यू वॉन्ट टू. अब यहाँ पर मैं एक्शन एड करेंगे. डू यू वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर, क्या तुम अपना भविष्य चमकीला बनाना चाहते हो? ओके, कैसे पूछेंगे? डू यू वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर? डू यू वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर? ठीक है, सो यस आंसर हमें यस देना है तो कैसे बोलेंगे? यस आई वॉन्ट टू. देखिए यहीं पर अगर हमें पॉजिटिव आंसर देना है तो यस, और यहाँ से डॉट हटा देंगे हम. यस आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो आप इस टाइप से आंसर पॉजिटिव दे देंगे. यस आई वॉन्ट टू, डू नॉट हटा देंगे, बस डू नॉट पूरा ही कट कर देंगे. यस आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर. और नेगेटिव देना है, नो आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर. ठीक, सेकेंड है हमारा प्रिपेयर फॉर एमबीए, एमबीए की तैयारी करना. डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एमबीए? यस आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एमबीए. मेक अ मनी, डू यू वॉन्ट टू मेक अ मनी? नो आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ मनी. ठीक, डज योर फादर वॉन्ट टू मेक अ मनी? यस माय फादर वॉन्ट्स टू मेक अ मनी. इस तरह से हम उसको पहले फर्स्ट पर्सन दो नेगेटिव आंसर देगा एंड थर्ड पर्सन ये क्वेश्चन करेंगे तो हम पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा हमारे पास. बाय अ कार, कार खरीदना. यू वॉन्ट टू बाय अ कार, क्या तुम कार खरीदना चाहते हो? ठीक, नेगेटिव आंसर देना है, नो आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार. पॉजिटिव देना है, यस आई वॉन्ट टू बाय अ कार. ठीक, लर्न सिंगिंग, डू यू वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग? नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग. नेगेटिव आंसर है, थर्ड पर्सन के लिए देना है. डज योर सिस्टर वॉन्ट टू लर्न सिंगिंग? यस माई सिस्टर वॉन्ट्स टू लर्न सिंगिंग. थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर देना है तो आप वहां पर वॉन्ट्स बोलेंगे, यानी ऐसे इसका यूज करते हैं हम, इसीलिए यहाँ पर हमने वॉन्ट्स का यूज करेंगे. वॉन्ट्स. चेंज मोबाइल, मोबाइल चेंज करना. आर यू गोइंग टू चेंज मोबाइल? डू यू गोइंग टू मीट सलमान खान? डू यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? डू यू गोइंग टू ज्वाइन जिम? डू यू गोइंग टू गो अब्रॉड? डू यू गोइंग टू स्पीक समथिंग स्पेशल? इस तरह से आप जितनी भी एक्शन है इसको डू यू वॉन्ट टू करके आप इसको यूज कर सकते हैं. तो डू यू वॉन्ट टू करके आप इनको यूज करें. एंड जहां तक आप नेगेटिव आंसर दें, नेगेटिव आंसर देने के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा हो जाएगा, इससे आपको जो इंग्लिश बोलने में जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलिए उसमें आपको आसानी होगी. तो ठीक है, आप जो है फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करें तो वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, इसलिए आप थर्ड पर्सन के लिए जब तक आपके पास पॉजिटिव आंसर ना हो तब तक उससे क्वेश्चन करते रहिएगा. सपोज ये आप जो है वॉन्ट टू से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे यहाँ से. डू यू वॉन्ट टू? ओके, डू यू वॉन्ट टू से क्वेश्चन करें. और अगर लाइक टू का यूज सीखना है आपको तो मेरी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें. आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई.